दो सवाल मुझसे जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा पूछे और आप सब लोग बहुत जानने के लिए उत्सुक हैं। पहला ये कि क्या जी मोदी जी रिजाइन करेंगे? दूसरा सवाल वो ये है कि कोरोना की जो थर्ड वेव आएगी, क्या वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी? क्या होगा उसमें? देखिए, जो थर्ड वेव आएगी वो इतनी खतरनाक। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। आज 23 मई, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल चेंज हो रहा है। वो ये है कि सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड हो रहे, शनि वक्रीय हो रहे। उसके अलावा 26 मई को चंद्र ग्रहण है, जो कि वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो राशि में है और अनुराधा नक्षत्र में है। जब भी हम ग्रहण की स्टडी करते हैं तो किस राशि में ग्रहण पड़ रहा है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है, पर किस नक्षत्र में ग्रहण है ये देखना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें उससे हमें इंडिकेट होती हैं। बहुत सारे प्रिडिक्शन जो है हम नक्षत्र के और राशि के बेसिस पे करते हैं। सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना, जब जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होते हैं तब तब ये देखा गया है कि बॉर्डर पे जो है कोई ना कोई हलचल हमें सुनाई देती है। ये जो शनि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं आज, आप देखेंगे आगे आने वाले दिनों में इंडिया चाइना बॉर्डर पे खास करके आपको जो है कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई गतिविधि जो है वो सुनाई दे। ऑल्सो आगे आने वाले महीनों में हम देखेंगे कि भारत जो है किसी ना किसी फॉरेन कंट्री के साथ कोई ना कोई ट्रीटी या कोई ना कोई एग्रीमेंट भी जो है वो साइन करेगा। 2 जून को मंगल जो है वो कर्क राशि कैंसर साइन में मूव कर जाएंगे। इंडिया की कुंडली में ये जो है थर्ड हाउस है, तीसरा भाव है। तीसरा भाव जो है वो कम्युनिकेशन का भाव है। अभी जो है मंगल जो है वो मिथुन राशि में है। मिथुन राशि से मंगल जो है शनि को एस्पेक्ट करें, एट्थ एस्पेक्ट दे रहे हैं। 2 जून के बाद ये जो एस्पेक्ट है ये एकदम शनि और मंगल का जो है 1:7 का एस्पेक्ट हो जाएगा, यानी ये एक दूसरे के एकदम आमने सामने आ जाएंगे। शनि और मंगल का आमने सामने आना इंडिकेट करता है अर्थक्वेक्स को। जो ग्रहण पड़ रहा है वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में, नॉर्थ ईस्ट भाग में जो है इंडिया के दिखाई देगा, तो चांसेस स्ट्रांग है कि अर्थक्वेक जो है वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में हम एक्सपीरियंस करेंगे। उसके अलावा जैसा मैंने कहा, ग्रहण जो है वो वृश्चिक राशि में है जो कि जल राशि है, जो कि वाटर साइन है, और अनुराधा नक्षत्र है, तो हम जो है वाटर साइक्लोन या बहुत तेज बारिश होना, वाटर संबंधित जो है हम नेचुरल फिनोमिना जो है वो हम एक्सपीरियंस करेंगे। इससे जो है पेड़ पौधे, जो नेचुरल वेजिटेशन है समुद्र के आसपास समुद्री साइक्लोन से, उसको जो है असर पड़ेगा। उसके अलावा बारिश, बहुत तेज आंधी आना या ओले गिरना, ये भी हम एक्सपीरियंस करेंगे। इससे फसल को भी नुकसान हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि मंगल जो है वो थर्ड हाउस में आ रहा है। थर्ड हाउस जो है नेबर्स के हाउस के अलावा कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो सैटर्न और मंगल का आमने सामने आना, थर्ड हाउस का इन्वॉल्वमेंट होना, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो है आप न्यूज़ सुनेंगे। आजकल जो है कम्युनिकेशन सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा हो रही है, तो कुछ ना कुछ सोशल मीडिया का इन्वॉल्वमेंट या कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है आगे आने वाले दिनों में न्यूज़ में रहेगा। सेकेंड हाउस जो है किसी भी देश की कुंडली में रिप्रेजेंट करता है उस देश के बैंकिंग सिस्टम को, उस देश के फाइनेंस को। जुपिटर जो कि एर्थ लॉर्ड हैं और सेकेंड हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं अभी गोचर में, ये इंडिकेट करता है कि हम जो बैंकिंग सिस्टम है उससे रिलेटेड भी कोई ना कोई न्यूज़ हम सुनेंगे। सम काइंड ऑफ फेलियर और सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी जो है बैंकिंग सिस्टम को लेके भी न्यूज़ में आएगी। जो ग्रहण पड़ रहा है उसमें राहु केतु सूर्य चंद्रमा तो इन्वॉल्व होते ही होते हैं, पर इस बार के ग्रहण में शुक्र वीनस भी इन्वॉल्व है। वीनस जो है, शुक्र जो है वो भारत के लग्न का स्वामी है, लग्ना लॉर्ड है, और वीनस रिप्रेजेंट करता है विमेन को। सो विमेन इन हाई पोजिशन और सम फेमस विमेन, उनके आसपास भी कोई कॉन्ट्रोवर्सी जो है हमें सुनने को आगे आने वाले दिनों में देगी। 2 सवाल मुझसे जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा पूछे और आप सब लोग बहुत जानने के लिए उत्सुक हैं। पहला ये कि क्या जी मोदी जी रिजाइन करेंगे? जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा भी था, डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, कि जो प्लैनेटरी पोजीशन है, स्पेशली जो जुपिटर का मूवमेंट हुआ है, एर्थ लॉर्ड का 10th हाउस में आना इज
नॉट वेरी गुड फॉर द हेड ऑफ द नेशन, जो देश के शासक हैं, जो रूलर हैं या जो रूलिंग पार्टी है, उसकी इमेज के लिए और उसके लिए अच्छा नहीं है। वैसा हम आज हम देख भी रहे हैं, लोगों में काफ़ी गुस्सा है। इसी के चलते बहुत से लोगों ने पूछा है कि क्या जी मोदी जी रिज़ाइन कर देंगे। वेल, जैसा मैंने देश की कुंडली देख के एनालाइज किया है और मोदी जी की भी कुंडली को स्टडी किया मैंने, उससे मुझे लगता नहीं है कि मोदी जी अभी रिसेंट फ्यूचर में रिज़ाइन करेंगे। दूसरा सवाल जो मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा और जो बहुत बड़ा कंसर्न हम सभी के लिए, चाहे आप हैं चाहे मैं हूँ, वो ये है कि कोरोना की जो थर्ड वेव आएगी, क्या वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगी, क्या होगा उसमें? देखिए, जो थर्ड वेव आएगी वो इतनी खतरनाक नहीं होगी। पिछले साल की अगर हम गोचर स्थिति को देखें तो शनि जब वक्रीय से मार्गी हुए थे, मतलब रेट्रोग्रेड से जब डायरेक्ट हुए थे इन द मंथ ऑफ सितंबर, उसके बाद अगर आप देखें सिचुएशन जो है वो काफ़ी कंट्रोल में आई थी। इस साल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अक्टूबर या सितंबर एंड या अक्टूबर में की जो थर्ड वेव आएगी और वो बहुत ज़्यादा डेडली होगी, तो अगर उस टाइम की आप प्लैनेटरी पोजिशन देखें तो जुपिटर और सैटर्न दोनों ही उस टाइम तक मार्गी होंगे, दोनों ही डायरेक्ट होंगे। उसके अलावा भी जो और भी जो प्लैनेटरी पोजिशन है उसके चलते हुए जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि जो थर्ड वेव होगी वो इतनी ज़्यादा खतरनाक है, इतनी ज़्यादा डेडली नहीं होगी जिस तरह की अभी सेकेंड वेव रही है। पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने कहा कि एक्लिप्स में वीनस जो कि भारत का लग्न लॉर्ड है वो आ रहा है, प्लस जुपिटर और सैटर्न दोनों के दोनों सिक्स हाउस जो कि बीमारी का घर है उससे भी कनेक्शन बना रहे हैं, तो बीमारी अभी गई नहीं है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ हम लोग रिलैक्स हो जाएं और ये सोचें कि जी हम कोई प्रिकॉशंस ना लें कि जी बीमारी चली गई है, ऐसा अभी नहीं है। थर्ड वेव इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड और अगर हम लोग चाहें अपने एफर्ट से तो हम बिल्कुल ये कर सकते हैं कि सिचुएशन को कंट्रोल में करें और ये देखें कि इतना नुकसान ना हो जितना कि इस वेव में हुआ है। वैसे भी शनि जो कि कार्मिक ग्रह हैं वो वक्रीय हैं। वक्रीय क्या इंडिकेट करता है? जो क्लासिक्स में लिखा हुआ है कि वक्रीय ग्रह का वक्रीय होना यानी कि उसकी चाल उल्टी हो जाना, मीन्स कि आप जो है अपने कर्मों को रेट्रोस्पेक्ट करें, अपने कर्मों को देखें, पीछे जाके देखें कि ऐसे क्या काम थे या ऐसी क्या चीज़ें थी जो कि आपसे इनकम्प्लीट रह गई या जो आप नहीं कर पाए वो आप इस समय करें। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ डोंट गेट रिलैक्स्ड कि कोरोना चला गया है और हम अपनी मनमर्जी कर सकते हैं, बिना मास्क के घूम सकते हैं, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। सैटर्न जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी घर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी प्लैनेट है, वो हमें रिस्पॉन्सिबल होना भी सिखाता है। सो लेट अस ऑल बी रिस्पॉन्सिबल एंड लेट अस ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार, थैंक यू।